अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ़ताब। सॉरी, फिर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया हमें दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने में, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब से रेगुलर रहेंगे। दरअसल अली की स्केड्यूल के ऊपर जब हम चल रहे होते हैं तो ज़रा पता नहीं होता कब वो फ्री हैं कब नहीं है। ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा बिजी हैं, तो उसका अली मेरे ख्याल में माजरत कर सकते हैं आपसे, या मैं तो खुद ज़्यादा वजात नहीं दूंगा उसको। देखिए, मसला ये है कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग बस ऐसे ही बैठते हैं और कौम से खिताब कर देते हैं तो ये नहीं है। बड़ी मेहनत होती है इस शो के पीछे, प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है। हम बैठते हैं अक्सर, असद खबरें निकाल के देता है कि इस पे कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ इसमें तो 100 बंदा मरा है, मुस्बत शो कैसे होगा? तो कहते हैं ढूंढ लेंगे कोई मुस्बत एंगल। मैंने कभी ऐसी खबर पे मैंने नहीं कहा, लेकिन नहीं, मिल जाएगी। असल में शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि पिछले शो में हमने नाम डिसाइड किया था। शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी खबर हम करें उसके अंदर को एंगल मुस्बत ढूंढना है। वो ज्यादातर मैं आपकी तरफ ही देखूंगा कि आप उसे मुस्बत एंगल निकालें। तो बहरहाल मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक आपने सजेस्ट किया था और वो खबर ये थी कल की थी कि शिबाशी साहब जो है उनको हाईकोर्ट की तरफ से बेल जो है उनकी मंजूर हो चुकी है और वो फिर से बाहर आ गए हैं। मैं तो दरअसल अली से यही पूछा था कि ये अब कौन सा केस चल रहा है, ये कौन सी मद में उनको बेल मिली थी और वो अंदर किस खुशी में हुए थे और क्यों बाहर आ गए हैं अब। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा शिबाशी साहब के ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं और पीडीएम को डिस्कस करते हैं कि उनका क्या अब रद्दअमल है, आगे से क्या स्केच कैसे चलाना है उन्होंने। बिल्कुल, एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में अंदर थे, पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग या बाहर भेजना, जो भी वट एवर, एक कोई गाल है। तो एक तो उसमें बुनियादी बात ये है कि अभी जब वो बाहर आए ना, मतलब आए या उनकी बेल मंजूर हो गई, तो सहाफियों ने, कईयों ने मैंने देखा ट्विटर पे लिखा कि मुबारक हो और ये वो सारा, तो उस पे दस्ती नीचे वो ब्रिगेड आई और उसने कहा कि ये तुम लोग लिफाफे, तुम कैसे किसी को ये तारीफ कर सकते हो इस बात पे कि बाहर आने पे ये वो। भाई देखें, इसमें लिफाफे वाला मसला नहीं है। एक बंदे पे फर्द जुर्म आयद किए बगैर आप उसको इतने महीनों से अंदर रखा हुआ था, वो अगर बाहर आया है तो वो चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, इस पे सबका मुबारकबाद देना बनता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जस्टिस सिस्टम को समझ आनी शुरू हो गई कि ऐसे नहीं हो सकता। आप सोचिए, उन्हीं के साहबजादे को 2 साल रहे थे वो, अभी रिसेंटली वो बाहर आए हैं, चलें वो तो अच्छा है। लेकिन ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो ये लिख रहे थे, ये यूथ सपोर्टर्स थे। ये बिल्कुल यूथ सपोर्टर्स थे। और मसला फिर वो ये है, हम नहीं कह, मेरे फूफी का बेटा है शबाज शरीफ, मेरी तरफ से 3 साल अंदर ढक दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मुझे तो उसने नौकरी भी कोई नहीं दी अपने दोनों टेन्योर्स में, तीनों टेन्योर्स में। लेकिन आप किस नौकरी के उम्मीदवार थे सर? ये तुम थे? मुझे बना दे पीसीबी चीफ, मुझे नहीं अच्छी लगती। हाँ, मुझे कुछ भी बना दे, मतलब मैं सब कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये आज शबाज शरीफ है, आज हमजा शरीफ है, तो कल मैं और आप भी हो सकते हैं। ये थोड़ी है कि जी नहीं, वो तो हमने इस किस्म के कानून सिर्फ उनके लिए रखे हुए हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं अंदर हूँ या मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर हूँ। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, एक वैसे ही एक तकिया कलाम सा बन गया, किस चीज के लिए अंदर है। अमूमन पता चलता है कि वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही अंदर है, तो मनी लॉन्ड्रिंग इसका मतलब है बड़ा आसान काम है, ये कोई भी कर सकता है। वो जहांगीर तरीन साहब के पीछे भी पड़े हुए ऐसी चीज के ऊपर, शिबाज शरीफ साहब के ऊपर। बहर शिबाज शरीफ साहब का उस दिन आप एक और चीज जिक्र कर रहे थे, आप और मैं उनके वैसी फैंस हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज जो जिस तरह वो चलाते हैं सारे निज़ाम को, और खास तौर पे लाहौर के अंदर पिछले भी गुज़श्ता कुछ देर पूरे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल थी, आपके ख्याल में अगर शिबाज शरीफ साहब होते पंजाब में उस तरह से सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती? ये कोविड वगैरह को लेकर, कोविड और ये धरने शरने जो पीछे चल रहे थे, सारी चीज़ मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूँ। असल में मसला ये है कि बजी के बजाय कोई नहीं हो। नाम क्या बात है, वो वसीम अकरम है, सीम आई है वो, सीम प्लस। मसला ये है कि अब मुकाबला करना किससे है? उन्हीं से करने हैं, उन्हीं की कुर्सी पे है वो बैठे चीफ मिनिस्टर साहब। तो क्योंकि अब तो ऐसी भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं जिसको हम अभी सेकंड एपिसोड में डिस्कस करेंगे, कि आप जिस तरह बता रहे थे कि फलानी चीज अब केपी में बेहतर हो रही है, अब तो ना गेम कहीं और निकल रही है, लाहौर हो नहीं रहा। लेकिन खैर, वो उसको भी आप छोड़ें, असल बुनियादी चीज ये है कि हमजा और शबाज शरीफ और मरियम और नवाज शरीफ और सब बाहर आ गए, तो वो जो था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ठीक है। वो मसला ये कि आपसे कोई एनआरओ किसी ने मांगा भी नहीं, आपने दिया भी नहीं, वो जिनसे मांगा उनसे मिल गया, ठीक है। तो ये एक और इल्जाम लगाती थी पीटीआई की हुकूमत के पिछले टेन्योर में कि ये जो पीपल्स पार्टी है,
ये दो नंबर ऑपोजिशन है, उससे पिछले उसमें कहते थे कि ये नवाज शरीफ दो नंबर ऑपोजिशन है, ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये एक दूसरे को गिराना नहीं चाहते। सबसे बड़ी तारीखी नूरा कुश्ती अब हो रही है। ये लोग कहते हैं पीडीएम खत्म हो गई, पीडीएम को हमने हरा दिया हुकूमत ने, ऐसे चालबाजी, कोई चालबाजी आपस में लड़ पाए, आपस में भी नहीं लड़े। सर सीन ये है कि नवाज शरीफ मतलब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी उस दिन इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे जिस दिन उनको ये लगेगा कि अगर दो साल ये हुकूमत और रही तो सब कुछ ठीक कर देगी। वरना वो क्यों गिराएं? ठीक है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, आज नून लीग चाहे तो कल पंजाब असेंबली नहीं रहेगी। ठीक है, नंबर्स की बात, नंबर्स की बात। आज पीपल्स पार्टी चाहे तो कल नेशनल असेंबली नहीं रहेगी। दोनों चाहते ही नहीं है, दोनों कहते हैं कि तुसी बैठे हो। आप कह रहे हो बैठ के पीछे मजे ले रहे हैं। वो मजे ले रहे हैं। आप मुशर्रफ की हुकूमत में, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में जब उसने कब्जा किया मुल्क पे, तो आपको याद होगा मेरे ख्याल में नवाबजदा नसरुल्ला ने कहा था कि ये इस मुल्क का आखिरी मार्शल लॉ है, इसके बाद कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अच्छा, इसी तरह नहीं लगा उसके बाद, अभी तक नहीं लगा। उसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि यही काफी हो, लेकिन फिर भी अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो आपकी हद दर्जे कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह इमरान खान साहब अगला इलेक्शन भी जीत जाएं, अगला इलेक्शन भी जीत जाएं, क्योंकि अगर इस्तेमाल किया जमहूरियत पसंद, अगर आप जमहूरियत पसंद, उसकी वजह ये समझाए, अगर ये हुकूमत 10 साल निकाल गई ना तो मार्शल लॉ तो छोड़े, आइंदा के बाद कभी हाइब्रिड हुकूमत भी नहीं आनी। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ये मजे जो पिछले पीछे बैठ के चेजे लेने वाली चीजें वो कॉम भी ले और आपकी ऑपोजिशन पार्टीज भी ले। वाह, लेकिन अच्छा वैसे ये बात आपकी एक लिहाज से मैं अग्री करूंगा कि ये 2 साल जो रह गए हैं, 2 साल ही रह गए तकरीबन पीटीआई, वो पूरे होने चाहिए। वो मेरे ख्याल में एक हुकूमत ने तो किया है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए 5 साल पूरे अभी तक, ऐसे ही है। मैं इसीलिए आपको एक और चीज पता है क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ अगली हुकूमत भी इमरान खान को मिले। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप भी यही चाहें। नहीं मैं भी नहीं, मैं चाहता हूँ। लेकिन जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है ना, अभी तक ऑड्स आर अगेंस्ट खान साहब, और इसकी वजह मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसकी वजह नून लीग नहीं है, इसकी वजह पीपल्स पार्टी नहीं है। असल मसला ये है कि आज तक 73 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि खान साहब एक तो पूरा करें, अगले इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और खास क्यों रहे आप फ्री एंड फेयर? सर देखिए, 35 सीटें जो है ना, वो प्री पोल कह लें, नहीं 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 पोल पे कह लें, वो इधर उधर होती है। ये जो बातें करते हैं सोर लूजर्स, अंग्रेजी का लफ्ज है, जो लूजिंग पार्टी होती है ना, उनको बहाने चाहिए, बहाने हैं। हमें पता है आप इलेक्शन डे पे गए थे, आपका अंगूठा किसी ने पकड़ के जाके लगवाया था, खुद ही किया था ना आपने सब कुछ। तो ठीक है, इस तरह भी फ्री एंड फेयर जब होंगे इलेक्शन, और खान साहब अगर तो फिर से बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी को 10 साल मिल जाए ना, और वो 10 साल के अंदर ना कर सके ना अचीव, तो फिर 100 साल नहीं कर सकते। खान साहब के ऊपर जो ये तनकीद की जाती है कि जी 3 साल हो गए कुछ देखा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, अब 2 साल और देख लेते हैं, 5 हो जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा, खैर से अगर वो जीत गए तो 5 और कर लें। बिल्कुल, अगर 10 के अंदर 8वें को साल के बाद अगर हमें समझ आ रही है ना कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो फिर हम कैसे, नहीं यार गलती हो गई, उससे पहले नहीं। बिल्कुल, अच्छा ये बल्कि इस पे एक बड़ा नुकता मैं समझना चाह रहा था कि वो एक तो इलेक्शन वाले दिन रिगिंग होती है ना, कि कौन सी नहीं वैसे कि वो पर्चियां बदल दी, बंदे से गलत अंगूठे लगवा दिए, किसी के आईडी कार्ड पे कर दिए, इलेक्शन वाले दिन होती है। एक प्री पोल भी होती है कि किसी पार्टी का बंदा तोड़ के किसी और को दे दिया और वहां से मुकरवा। हां जी, क्या ये चीज रिगिंग में शामिल होती है कि वो जो एक वो कहते ना कि हवा कितनी चल रही है, मतलब अक्सर लोग ये सुन के अपना वोट बदलते हैं, हवा होती चल रही है, चलो फिर उन्होंने पार। ये रिगिंग है कि नहीं है? ये रिगिंग नहीं है। अच्छा, ये हमारा एक कौमी खेल है कि जिस तरफ लग पड़े हैं उसी तरफ लग पड़े। ये पीटीए बहुत बड़ी एग्जांपल है इस चीज की, ये 2 इलेक्शंस में, एक के अंदर तो मैं भी मारा गया ना कि यार वहां पीटीए की तरफ जा रही है, वोट दो, देखो हवा हवा उस तरफ जा रही है। उसके बाद केपी में उन्होंने खास तौर से जबरदस्त कोई काम नहीं किया, तो उसके बाद जब ये वाला इलेक्शन आया, मैंने नून लीग को वोट दिया 2 दफा दिया, बल्कि सादर फी को 2 दफा वोट दिया। सोचे क्या हो गया, मेरे हल्के से हैं तो एक दफा वो उनके हल्का खुल गया था, तो मैंने फिर जाके वोट दिया। तो लेकिन पीटीआई को वोट नहीं दिया तब मैंने, और पीटीआई लेकिन आ गई, हुकूमत पावर में आ गई। तो उसके बाद बड़े साल लगे मुझे, मतलब ये 2-3 साल मुझे भी लगे इस चीज को मानने में कि जमहूरी निजाम को चलने के लिए आप चलने दें, रहने दें, चेंज ना करें इमरान खान साहब को। उसकी बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है, अगर खान साहब जाते हैं ना फॉर वॉट एवर रीजन, कोई भी वजह हो सकती है, तो पीछे जो प्राइम मिनिस्टर जो बनना चाहेंगे ना
उसके कैंडिडेट्स जो है ना उनमें कोई मजदार नहीं है। शाहमूद कुरैशी ठीक है, अगर वो आ सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब आ सकते थे बड़ी देर पहले आ सकते थे, अब तो वो कहीं भी नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, और असद उमर तो अगर अल्लाह माफ तो अगर आप ये इनको एज प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, ये और भी होंगे पार्टी के अंदर है नहीं, नाम औरत है नामवर लोग हैं नहीं ना, तो अगर उनको आप देखना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर तो फिर तो खान साहब चले जाएं। अगर खान साहब वैसे टी वी पर आते हैं ठीक है, अच्छा लगता है, सब यस है, मेरे ख्याल में उनको रहने दें, काम करने दें, जो भी हो थोड़ा बहुत करें, और आगे फिर अगली दफ़ा देखेंगे इलेक्शन में क्या होता है। बिल्कुल। दूसरा जो मैं आपको जिस तरह पहले कह रहा था ना कि अभी भी ऑड्स अगेंस्ट हैं खान साहब के, उसकी वजह क्या है कि 73 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी तो वाहिद रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना किसी का टेन्योर पूरा ना होने के, कुछ और ताकतें हैं। अच्छा सीन ये है कि एक चीज़ जो साबित हो गई है ना वो ये है कि जो मुक्तदिर कुवतों का इकोनॉमिक मॉडल था ना वो फेल हो गया। अच्छा ठीक है, वो फेल हो गया है, वो इनसे नहीं चल सका, वो किसी से भी नहीं चल सका, और ये बाकी पार्टियों को पता है कि उनसे भी नहीं चल पाएगा। हाँ। इसीलिए वो हुकूमत में आने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ हुकूमत में भी आ जाएंगे, पीडीएम भी बन जाएगी, नो कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, पहले हमारे साथ टेबल पर बैठ के निगोशिएट करो कि आगे इकोनॉमिक मॉडल है क्या, क्योंकि ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। और वो पता है होता क्या इकोनॉमिक मॉडल में प्रॉब्लम क्या होता है, जो मुक्तदर ताकतवर कुवत होती है ना वो फाइनेंशियल एनालिस्ट टाइप पकड़ के उनसे कहती है कि एंज नहीं हो सकता। अब एंज नहीं हो सकता का मतलब ये है कि ऐ करो, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हो सकता है, वो एक शीट बना के देते हैं कि अगर ये हो जाए तो इस तरह हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक फेलियर है उसका मसला लोग समझते हैं एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन मसला नहीं है, पेपर पे नंबर्स ही ठीक नहीं है, 2/2 4 ही नहीं हो रहा, वो किसी की तौन पे गोडा रख के आपने कहा था कि ये करवाओ तो उसने नंबरों पे कर दिया, वो हो ही नहीं सकता। एक बहुत बुनियादी चीज़ है, आप अपने मुलाजिम को 73 साल से रोज कैप्स्टन के पैसे दे के भेजते हैं और गोल्ड लीफ की डब्बी मंगवा लेते हैं दुकानदार से, अभी तक इर्द गिर्द के दुकानदार जो है ना वो जो बैलेंस है वो चंदा चुंदा करके पहले पूरा कर रहे थे कि ये मामला चलता रहे, अब ना साथ वालों ने देने, बाहर वालों ने देने बंद कर दिए। अब किसी एक दिन ना मुलाजिम या दुकानदार में से किसी एक ने, वरना दोनों ने खलो जाना है कि भाई जाना इंजरी होता। ये हम की एनालॉजी बड़ी मजेदार, ये हम ना उस जगह पे खड़े हुए हैं कि होना होना बंद हो गया तो, और ये अब कोई भी पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी को ला के रख ले, नून को रख ले, बेसिकली कह रहे हैं मूड ही नहीं है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अब टेबल पे बैठ के ये डिसाइड किया जाएगा कि इकोनॉमिक मॉडल जो है ना वो मुक्तदर कुवत वाला नहीं चल सकता। अच्छा इससे पहले कि आप टॉपिक बदलें, ये जो हमने पूरा पीछे डिस्कस किया है उसमें मुस्बत एंगल तो दिया ही नहीं। मुस्बत एंगल ये है कि अब ये हुकूमत तब तक जाएगी भी नहीं जब तक ताकतवर हल्के बैठ के दूसरी पार्टियों से लेन देन नहीं कर लेते। आप बेसिकली यूथ सपोर्टर्स के लिए कह रहे हैं मुस्बत बात है, ये सबके लिए मुस्बत बात है कि अब ये हकूमत ही है, ये हकूमत चाहे अगले इलेक्शन में जाए, चाहे उससे अगले इलेक्शन में जाए, चाहे उससे अगले इलेक्शन में जाए, होगा ये कि जितनी देर ये हकूमत रहेगी मुस्बत पहलू जमहूरियत चल रही है, और जब ये हकूमत जाएगी तो मुस्बत पहलू इसका मतलब है कि अब नए इकोनॉमिक मॉडल पर काम होगा। ये हुकूमत से आपका मतलब है पीटीआई या कोई भी इसी इसी शक्ल की कोई भी पार्टी? पीटीआई, पीटीआई ही, पीटीआई स्पेसिफिकली पीटी बेसिक। हाँ ये अब तभी जाएंगे जब बाकियों से बात हो गई होगी। मेरे ख्याल में आगे चलते हैं ठीक, बहुत हमने पॉलिटिक्स कर लिया है, वो तो लगे रहेंगे हमें और टाइम मिले, लेकिन कोरोना वायरस के ऊपर बात करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। सिचुएशन बहुत सीरियस है और सिचुएशन इतनी सीरियस है कि आप सिर्फ हमारे जो साया मुल्क है अगर वहाँ देखें उनके वहाँ क्या हो रहा है, और वहाँ क्योंकि एक तो एक थोड़ा सा चाइना मॉडल थोड़ा सा इंडिया के अंदर भी ना मुझे महसूस होता है कि वहाँ से बात निकलना जो है ना वो थोड़ी अब कम होती है, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन वहाँ पे है, ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत है वहाँ पे, एक एक बेड पे दो दो मरीज हैं वहाँ पे, उनकी जो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है वो अपनी जगह है, और सो मच सो कि उनका जो इन्फेक्शन रेट है वो इस कदर बड़ा है कि और उनकी जो केस रेट है वो इतना ज्यादा हो गया कि पूरी दुनिया की जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं वो इंडिया को देखते हुए ये कह रहे हैं कि जी ये सारी चीज जो है ये तो सारे जो दीगर ममालिक है, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, उन सबसे आगे निकल गया है इस मामले में, क्योंकि वहां कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और वैक्सीनेशन ड्राइव उनकी जितनी भी आप करो, उनकी तो अपनी भी वैक्सीन है,
भारत कुछ नाम से, तो वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव जितनी भी कर लें वो जितनी जल्दी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा लगी जा रही है। अगर पाकिस्तान की हद तक आ जाए तो हमारा भी सिचुएशन जो है वो इतनी कंट्रोल नहीं हो पा रही। लाहौर, पंजाब वगैरह सारी जगहों में देख लें आप, तो ये असद उमर साहब और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने हिंट किया था कि एक हैवी लॉकडाउन लग सकता है। मेरी तदा के मुताबिक आज के दिन, मतलब ये एपिसोड जब अभी ऑनर ही है, तो जब तक ये एपिसोड शायद ख़त्म हो गया, आप देखेंगे मेरे ख्याल में 9 बजे वाले या 10 बजे वाले खबरनामे के अंदर कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेके जाएंगे जो पहले लॉकडाउन में था सिचुएशन, तो सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। बिल्कुल है। एक तो इंडिया, अल्लाह करे कि उधर हालात बेहतर हों, हमारी दुआएं हैं उनके लिए भी। वैसे वहाँ पे जो आपने उनकी वैक्सीन का जिक्र किया उसका भी एक स्कैम आ चुका है, जो उनकी अपनी वैक्सीन का, कि वो भी शायद इंपोर्ट हो रही थी। वो मैं एग्जैक्टली बहुत लंबी स्टोरी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वही मसला कि उसमें भी दो नंबरियां थी। अच्छा। कोई ना कोई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जी गरीब का क्या बनेगा लॉकडाउन अगर हो जाएगा और किस तरह से मामला। देखें, बात ये है कि जो पिछले लॉकडाउन भी थे, हमने दोनों देखे हैं ना, तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट वो भी नहीं थे। लेकिन पहला वाला शुरू में, पहला वाला शुरू 10-15 दिन के लिए। बिल्कुल। असल में मसला ये है कि बाकी दुनिया जब लॉकडाउन लगाती है, कम अज़ कम मौजब ममालिक, तो वो हाथ से लोगों को कैश भी देते हैं, खाना भी देते हैं। यहाँ पे जाहिर है गरीब आदमी क्या करेगा जब उसको आप पैसे ही नहीं दे रहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रियासतों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके लिए, उनको रियासत को, कोई भी रियासत हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा रहो या मर जाओ। प्रॉब्लम ये है कि जब आप अस्पताल गए हो ना, तो आपको बेड मिलना चाहिए। हाँ। वो उसकी वजह ये है कि अगर आपको बेड नहीं मिलेगा तो आपके घर वाले अस्पताल तोड़ेंगे, जो हुआ है। तो यहाँ पे नंबर्स कर्टेल करने के लिए हुकूमतों को, पसंद हो ना पसंद हो, अच्छी स्ट्रेटजी हो बुरी स्ट्रेटजी हो, लॉकडाउन तो करना है। और वो वाला लॉकडाउन जिसमें लोग घर में रहें, वाकई में मतलब ये मेन सड़कें से काम बात नहीं बननी, जो हुआ था कि दीगर इलाके जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उनकी सड़कें बंद करें और वहाँ पे उनको फिर इतला की जाए कि जी आपकी सड़क ये बंद है, ये एरिया बंद है। जैसे गार्डन टाउन मुझे याद है, वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड किया मतलब DHA के कुछ सेक्टर्स को। अभी तो सिर्फ ये होता है कि यहाँ हमें पता है या मामला खराब हैं, लेकिन खुला होता सब कुछ, वो लॉकडाउन ही उस तरह से होता। तो आई थिंक वो करने की जरूरत है इधर भी, और इंडिया में तो ऑब्वियसली अब उनको तो बहुत बड़े बड़े इकदाम लेने पड़ेंगे इस चीज को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। दूसरा, अब इसमें आपको मजे की बात बताऊं, मतलब अल्लाह माफ करे, तो सीरियस टॉपिक, लेकिन और ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है इसमें, इसमें और भी कम अज कम 3-4 मुल्क तो हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि हमारे पे लॉ सूट ना आ जाए, वकील मेरे पास नहीं है अपना, लेकिन थैंक यू। यहाँ पे आपको पता है ना, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आपको PCR टेस्ट बगैर PCR किए दे देती है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। मैंने सुना है ये, मैंने बल्कि और खबर सुनी, और 28 लोगों का ग्रुप बगैर PCR कराए जहाज बैठ के जा रहा है, क्योंकि एयरलाइन को इतला कर देते हैं किसी तरह हो जाती है वो। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और इसी की सॉरी ऐड कर रहा हूँ आपके ऊपर बात, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप PCR कराते हैं और आपका पॉजिटिव आ गया तो आपने एक अमाउंट है, अगर वो अमाउंट खर्चने को तैयार हैं और आपने ट्रैवल करना है, आप बजिद हैं कि आपने ट्रैवल करके इरेस्पॉन्सिबल होकर आपने जाना है, जहाज पे भी जाना है और जिस मुल्क में आप जाकर उनको भी इन्फेक्ट करेंगे आपने वो करना है, तो उसकी कीमत इतनी कम है लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है, आप वो कर सकते हैं। ये बात मैंने भी सुनी है कहीं से, लेकिन हम ऑब्वियसली हम इसको पता नहीं कह रहे कि ये फोर है, बट अच्छा तीसरा आपको एक मैं और मजेदार बात बताता हूँ, मजेदार लफ्ज जो है आप कोरोना से एसोसिएट कर। अच्छा सॉरी, मैं ये इनसेंसिटिव है, मैं माजरत खाऊं, मेरी वोकैबुलरी कम है तो। लेकिन ये अभी जब प्राइवेट वैक्सीन शुरू हुई है ना, तो फिर वही बात, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 3 फ्लोर्स हैं। एक वो है जहां पे लोग जो अपॉइंटमेंट के तहत आए हैं और वो करवा रहे हैं, लेजिटिमेट जो है। दूसरा है जो कि सिफारिशी हैं बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ। वो आ रहे हैं और सारा कुछ, जिनके कॉन्टैक्ट हैं, जिनके कॉन्टैक्ट हैं वो सारा कुछ। सेकंड फ्लोर जो है ना, वहां पे खाने चल रहे हैं, मीडिया वॉल है जिसपे आप वैक्सीन लगवाने आए, तो पिचिक 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 तस्वीरें साथ हो रही है। वो है कॉर्पोरेट्स के लिए, वो फैमिलीज के लिए, उधर पिकनिक हो रही है। सर क्या बात है, वैसे यार बहुत अच्छी बात की वैक्सीन पे थोड़ा अगर आ जाए हम, आपको पता है इसका एक दुनिया में कलेक्टिवली ना एक लफ्ज ईजाद किया गया है उन लोगों के लिए जो वैक्सीन लगवा के
उसको सोशल मीडिया पे लगा देते हैं कि मुझे वैक्सीन लग गई है, मैं गया, वो अपनी खाली शीशी उस चीज़ की उसकी तस्वीर ली, एक टीका लगाते हुए यूं शक्ल बनाई अपनी और टीका लग गया, उनका नाम रखा उन्होंने वैक्स होल्स। बड़ी अच्छी बात है आपको वैक्सीन लग रही है, जबरदस्त बात है, लेकिन आप वैक्स होलिज्म ना करें, आप प्लीज आप वैक्सीन लगवाएं, आप घर जाएं फिर अच्छा। और एक कुछ तो इस किस्म में जो दो लगती है ना, वो दूसरे में भी इतने खुश होते हैं, पहले से शौक नहीं पूरा, मुझे दूसरी लगी है और अब मैं ठीक हूँ। अब ये अब तीसरा पता ना क्या होगा, जब ये उसके बूस्टर शॉट्स नहीं, कुछ हफ्ते बाद उन्होंने अपने ना वो एंटीबॉडीज कराने होते हैं, फिर एंटीबॉडीज भी लगाया करेंगे, मुकम्मल उस किस्म की हरकतें हो रही है। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि वो जो वो होता है ना, जो रिजल्ट होता है एंटीबॉडीज वाला भी, उसमें साथ डेट ऑफ बर्थ आ रही होती है, तो शायद ना लगाएं, चाहे कुछ खातिन चाहे ना लगे। एक और चीज वो ये है कि जो आपने जैसे ये बताई कुछ चीजें चल रहे हैं मामला वैक्सीन के अंदर, हमारे हमारे हम चैंप्स तो है ना इस काम के अंदर, तो मैं नाम नहीं ले सकता जाहिर है, लेकिन कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने ना अपना जब फ्रेश वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था ना सिलसिला, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मेडिकल स्टाफ जाहिर उनको पहले लगनी चाहिए फ्रंट लाइन पे जो है, उसमें थे आपके जो जाहिर डॉक्टर्स वगैरह, उसमें फार्मासिस्ट का भी था कि अगर आप हैं और आपका मतलब सारा आपका फार्मेसी का है ताल्लुक है सब कुछ है तो आप भी लगवा सकते हैं। और उन्होंने अपनी डबल शॉट एक लगवाई, यही चाइना वाली साइनोफार्म की एक लगवाई और फिर दूसरी लगवाई, और उसके बाद होता है वो पकड़े कि जी आप तो है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। अच्छा वो अब नहीं थे, इसके बाद आपको ना एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसकी वजह आप वैक्सीनेट हो गए ना, सही रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को जाती है कितने इतने, तो वो उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं आप, और उस प्रिंटआउट वो आपका वीज़ा है बेसिकली समझे, सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन वीज़ा है जिसके ऊपर आपने अगर आइंदा ट्रैवल करना है जिन ममालिक में उन्होंने कहा वैक्सीन लगी हुई तो आ जाओ, तो वो पूछिए उसको वैक्सीन भी लग गई और उसको वीज़ा नहीं मिला वो वाला क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया, तो अब वो वैक्सीन फिर से लगवा तो सकते नहीं है कि जी फिर से मैं दो और वायल लगवा लूँ, वो तो रेकमेंडेड नहीं है। तो इससे कहने का मतलब ये है सबको कि कोई अगर शख्स इस तरह करवाना चाह रहा है अपनी वैक्सीनेशन ना, तो ये गलत बात है। एक तो आप किसी का हक मार रहे हैं नंबर वन, और नंबर टू एंड रिजल्ट अगर आप चाहते हैं आपको वीजा मिले आपको मिलेगा नहीं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी दो नंबरी नहीं भी करनी होती, कभी नहीं करनी होती। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, और आप मुझे पता है आपको भी आपको आइडियाज आते हैं, तो मैं इसलिए आपको भी मना करूंगा कि आप इस तरह ना करें। बिल्कुल, और इसमें जो है ना मैं मुस्बत पहलू ये बताना चाहूंगा कि जो ये है ना तीसरे फ्लोर पे जो सेकेंड फ्लोर पे जो मीडिया वॉल पे पिचिंग पिचिंग हो रहे हैं, तो अगर वो मीडिया वॉल पे एक लोगो हमारे शो का भी लगा लें तो हम आइंदा से उनको झुकते नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम बात ही करना छोड़ देंगे कौन सी वैक्सीन को पता ही नहीं होगा। तो अली मेरे ख्याल में आज के लिए काफी इल्म के मोती बिखेर दिए हमने, तो नाजीन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपके पास हाजिर होंगे। अली मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू, खुदा हाफिज़।